हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रतिभा। मेरे चैनल कानपुर किचन एंड ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू पोहे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक कमेंट क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, आज हम आलू पोहे की रेसिपी को शुरू करते हैं। आलू पोहे बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक छोटी कटोरी पोहा लिया हुआ है। ये लगभग 100 ग्राम के जितना पोहा है। पोहे को हम लगभग 30 सेकंड के लिए पानी में भिगो देंगे जिससे कि पोहा अच्छे से फूल जाएगा। तो ये देखिए, मैंने इसे 30 सेकंड के लिए भिगो दिया हुआ है। 30 सेकंड में पोहा बहुत अच्छे से फूल जाता है। अब हम इसका जो सारा पानी है वो निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने पोहे को एक छलनी में निकाल के रख दिया हुआ है। अब गैस में हमने एक नॉनस्टिक पैन गर्म होने के लिए रखा हुआ है। इसमें हम एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और सबसे पहले हम मूंगफली के दानों को रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक छोटी कटोरी मूंगफली के दाने लिए हुए हैं। ये देखिए, इन्हें हमने रोस्ट कर लिया हुआ है। अब हम इन्हें एक कटोरी में निकाल लेंगे और वापस जो थोड़ा सा तेल उसमें बचा है उसी में यहाँ पर हमने एक बड़े साइज़ का आलू था जिसे बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया हुआ है। मैंने इस पोहे को बनाने में उबले आलू का इस्तेमाल किया हुआ है। आप चाहें तो कच्चा आलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, आलू भी हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब उसी पैन में हम फिर से एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच राई और राई को अच्छे से चटकने देंगे। करी पत्ता डाल देंगे और ये हम लच्छे में कटा हुआ प्याज डालेंगे। तो प्याज को थोड़ा सा लंबा लंबा काट कर ही डालें क्योंकि इस पोहे में इसी तरीके से कटा हुआ प्याज अच्छा लगता है। प्याज हल्की सी भुन गई है, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। एक चौथाई चम्मच से भी कम इसमें हमने हल्दी डाली हुई है। अब हम ये भीगा हुआ पोहा डाल देंगे जो अच्छे से फूल गया है। आप देख सकते हैं कि पोहा एकदम खिला खिला है। तो बस आप पानी में सिर्फ 30 सेकंड के लिए पोहे को रखें। नमक डालेंगे हम स्वाद के अनुसार और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे कवर करके 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट में ही पोहा अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। और मैंने अभी इसमें हरी मिर्च नहीं डाली थी, तो 2 हरी मिर्च को हमने लंबा लंबा काट के डाला हुआ है। और ये हमारा पोहा बनके तैयार है। लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। तो आधा मैंने नींबू का रस डाला हुआ है। अब हम इसमें ये जो भुने हुए आलू रखे हैं वो डाल देंगे, मूंगफली के दाने डाल देंगे। अगर आपको इसमें थोड़ा सा पोहे में मीठा टेस्ट पसंद है तो आधा चम्मच आप इसमें पीसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। बाद में हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और ये हमारा बहुत ही स्वादिष्ट आलू पोहा बनके तैयार है। तो आप भी इस पोहे को एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह रेसिपी बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।